संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, किसान संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, किसान संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, किसान संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, किसान संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। घटना हाईवेली जमीन देने तो कोरी ना, कोरी ना, कोरी ना। जम्मू घटना एक्सप्रेस वेली जमीन देने तो कोरी ना, कोरी ना, कोरी ना। जम्मू घटना एक्सप्रेस वेली जमीन देने तो कोरी ना, कोरी ना, कोरी। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण निजी कंपनी द्वारा करवाने की योजना है, उसके लिए नोटिफिकेशन हो चुका है। किसान आंदोलन के दौरान इसका नोटिफिकेशन हुआ, किसानों के अंदर इसका गुस्सा है। किसान मांग कर रहे हैं कि उनको जो ज़मीन का भाव दिया जा रहा है वो नाम मात्र है। देश के बंटवारे के बाद किसानों ने इस इलाके की बंजर ज़मीन को उपजाऊ किया और वहाँ से आकर इस इलाके को आबाद किया। अब उनको फिर इस सड़क के निर्माण के कारण उजड़ना पड़ेगा और उनको ज़मीन का जो रेट दिया जा रहा है वह कोड़ी के बराबर है, उससे उन परिवारों का गुजारा नहीं होगा। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि प्रशासन और पंजाब सरकार भी केंद्र के साथ मिल गई है, हमें कम रेट पर पैसा देने का दबाव डाला जा रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रशासन के अधिकारियों का विरोध भी करेंगे, उनका घेराव भी करेंगे और यातायात भी हम ठप कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों ने मांग की कि हमारी ज़मीन का पूरा भाव मिलना चाहिए और जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है तब तक इस मामले को ठंडे बस्ते में प्रशासन डाल कर रखे। किसान संघर्ष कमेटी ऑल पंजाब की साड़ी बॉडी बन चुकी है जी, जिवें ला लो पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, अपना गुरदासपुर, फिर उदू इधर नू आ जाओ तरन तारण, अमृतसर, कपूरथला, तो अपना लास्ट च आ गया अपना पठानकोट। ये साड़ी बॉडी, ये साड़ी जिहड़ी किसान संघर्ष कमेटी के नाते साड़ी जिहड़ी ये साड़ी यूनियन बन चुकी आ। ये एक दिल्ली कटरा एक्सप्रैस जिहड़ा वे इत्थों दी निकल रहा साडे पंजाब दे विचों दी, वो तो ही असी मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल, एंट्री पॉइंट तो कितना स्टार्ट होगा? एंट्री पॉइंट साढ़े गलौली पिंड तो आ, तो लास्ट गुरदासपुर है जी। देखो जी, ये बेच इस एक्सप्रैस ना वे दे ना ते साड़ी बहुत वड्डी लुट जिहड़ी सेंटर सरकार ते पंजाब सरकार रल के कर रही आ। साड़ी जमीन जिहड़ी है कौडियां दे भाए सरकार लैना चाहुंदी आ, जो कि असी कदे भी बर्दाश्त नहीं करांगे। असी अपनी जमीन जिहड़ी किसी भी कीमत ते सरकार नूं नहीं देनी चाहुंदी, क्योंकि कारपोरेट घराणियां नूं ये जमीन साड़ी रिक्वायर करके ये सरकार देना चाहुंदी आ। इहदे विच वड्डे वड्डे टोल प्लाजे ला के ते करोड़ां अरबां दा रोज दी इहनां नूं कमाई होणी है सड़क तों, ते साड़ी जिहड़ी जमीन आ सानूं कदी कहिंदे 15 लाख लै लो, कदी कहिंदे 18 लाख लै लो, कदी कहिंदे 20 लाख लै लो। देखो अज पंजाब दे विच किते वी इस रेट ते कोई जमीन उपलब्ध नहीं हैगी। सरकार ने कभी भी जे पंजाब दे विच साडे पटियाले जिले की ही गल करदे, जे पंजाब सरकार ने जां सेंटर सरकार ने कभी भी किसी प्रोजेक्ट वास्ते इस रेट नूं जमीन अक्वायर कीती आ ते ओह साडी भी लै ले। इत्थे की रेट है मार्केट पटियाले जिले दे? साडे जी साडे अलग अलग पिंडां दा रेट आ, जिवें बरास दा ला लो उत्थे 30+ रेट आ, जिवें घग्गा आ उत्थे 50-60 लाख रुपया रेट है, जिवें अगे पिछे अताला आ गया उत्थे भी 50-60 का रेट आ, अगे तंबू वाला वाणा वाला आ गया उत्थे 45-50 लाख का, उत्थे अपने पावर ग्रिड ने अपने कोई उत्थे प्रोजेक्ट लाया होया उत्थे 50-55 लाख रेट है। गलौली का 35+ रेट है जी, 40 लाख साढ़े रेट है। अधिकारी की कह रहे हैं? अधिकारी साढ़े ना मखौल कर रहे हैं जी, हुण तक अधिकारी एक दिन तो सानू बुलाउंदे ने कहिंदे भी तुहानू 50+ यानी कि 60 लाख तक रेट दे दिंदे आ, फिर अगली मीटिंग साड़ी हुंदी आ किसान जथेबंदियां दी SDM साहब नाल, तो फिर कहिंदे आ ते तुहानू जिहड़ा अपना DC रेट आ उहदे हिसाब नाल पैसे मैं देने आ, उहदे हिसाब नाल ते उहनां दे हिसाब नाल साडा 24-25 लाख रुपया मसां बणदा। देखो 25 लाख नूं असीं जमीन कित्थों दे दांगे इहनां नूं जी? जिहड़ी केंद्र दी सरकार है, इह इक कोविड दे दौरान इक नोटिफिकेशन कीता इहनां ने
कि असी रोड कढ़ना इतों की जदों के बिल्कुल किसी उदा पता भी नहीं लग्या। तो यह एक केंद्र की सीधी लुट ही समझो, जिदा पहला किसान विरोधी कानून लिया के किसानों खजल कर रहे हैं, तो उत्थे ही यह एक रोड के थ्रू भी एक अन्नी लुट इन्होंने मचा रखी है केंद्र की सरकार ने। तो पंजाब की सरकार भी किसान हितैषी कहाउंदी है, पर अजे तक साडी किसे अधिकारी कहिंदे साडे हथ वड्डे होए ने, इन्हां ने साडी अजे तक किसी भी लीडर ने कोई सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं सुन रहा जी। अफसर साडी गल सुन रहे हैं पर वो कहिंदे ने जी साडे हथां दे विच कुछ नहीं है। तो असी जे अपील कर रहे हैं थोड़े मीडिया के थ्रू, तो साडी पंजाब सरकार कोई आवाज़ नहीं सुन रही। उंज वैसे किसान हितैषी कहाउंदे ने, देखो जी साडी मार्केट वैल्यू दे हिसाब नाल जदों तुहानूं प्रधान जी ने दस्सिया कि किसी भी पिंड दा जिहड़ा मार्केट रेट 40 लाख तो घट नहीं है, तो जदों के लैंड अक्वायर करना हुंदा साडी जमीन दोफाड़ हो जाणी है जी, ये तुसीं देखो किन्ना नुकसान हो जाना। एक क्रॉस रोड लंघ रहा हाइट ते लंघ रहा, सानू इहदा 1% भी कोई फायदा नहीं होना। यह बहुत ज़्यादा वड्डा नुकसान है, लोगों के घर भी विचारे ने, ते उहदे विच इन्हां ने करना की हुंदा कि डिस्प्लेसमेंट भी देनी हुंदी है, ते उहदे मिला के इन्हां ने सानू डबल देना हुंदा है। दे तां सानू मार्केट रेट तो भी घट रहे ने जी, अजे तक तां 70 सालां दे विच तां रिफ्यूज हो के साडे कई परिवारां दे तां अजे तक पैर नहीं लगे, अजे तक करजे की मार झल रहे ने। इन्होंने जमीन जंगल कट के जमीन आबाद की हूँ फिर उजाड़न फिर रहे हैं। अपने इतने पटियाले जिले के 11 पिंड एक एक्सप्रैक्स वे लंघन लगा जी। पहली गल तो रेट वाली गल तो चलो जो भी है हर एक इंसान रेट नाले, पहली गल तो सानू रेट नहीं दे रहे बिल्कुल। दूजी गल ये भी जेडे साडा 10 लाख बंदा दिल्ली बैठा है, काले कानून उन्होंने पास करे ने, असी ये चीज़ चाहते हैं भी सेंटर गौरमेंट के सारे प्रोजेक्ट, पंजाब गौरमेंट को साडी ये बेनती है भी सेंटर गौरमेंट के जिन्ने सारे प्रोजेक्ट ने उन्ना चर इन्ह प्रोजेक्टों ले किया जाए जिन्ना चर दिल्ली वाले बंद सारी सुनवाई नहीं होती, काले कानून वापस नहीं होती। दूजी गल असी सारे रिफ्यूजी हाँ जिन्हों लोग रिफ्यूजी कहते हैं, सन 47 साडे बजुर्गों ने आके मसा जमीन बनाई सन, अज जमीन उपजाऊ करके अज असी उन्होंने वाहन जोगे हुए हैं, अज ट्रैक्टर से चढ़न लगे हैं, तो अज ये सरकार साड़िया जमीन कौडिया के भाग होंगे ने जिड़िया कि असं इन्हों बिल्कुल ये काम कर नहीं देवे। तो साढ़े नुकसान हो गए, बहुत बहुत भारी नुकसान ने जी। 15 फुट उच्ची सड़क बन लगी है, जिहड़े किसान दे जमीन चो सड़क लंघ गई ना तो उत्थे पंप ला सकदा जी, ना कोई ढाबा खोल सकदा, ना वो सड़क पार कर सकदा, ना उहदी रेहड़ी जा सकदी पट्ठे वाली, ना मशीन कंपैन ट्रैक्टर कुछ नहीं उस सड़क ते चढ़ सकदा जी। उस इंसान नूं जिहदे 10 करोड़ किले दा देण तां वी घट है जी। दूजिया सड़कों पर अगला अपने बच्चों वास्ते कोई ढाबा खोल लैंदा, कोई पंप ला लैंदा, कोई इंडस्ट्री ला लैंदा, इत्थे तां इस तरह की कोई सहूलत ही नहीं हैगी जी। नैशनल हाईवे अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है वो मुताबिक असी करेंगे, उन्होंने गाइडलाइन ये भी कलैक्टर रेट का तुम्हें डबल देना है, कलैक्टर रेट 675 है जी, 675 का डबल 13 लाख रुपया सूँ आते हैं जी, तो जमीन के रेट 50 से 60 लाख रुपये ने आम मार्केट रेट जी। साड़ी मंग फिलहाल तो ये भी सानू तो 2 करोड़ भी लो से फिलहाल, साड़ी मंग ये भी जिन्ना चर उत्थे नहीं जिन्ना साडा निबड़ता ये प्रोजेक्टों उन्ना चर डिले किया जाए। दूजी गल साडे नाल जे कोई कोऑपरेट करना तो रेट ते कोई गल साडे नाल क्लीयर वड्डी गल करन तां असीं करांगे, नहीं तो जमीना च बिल्कुल असीं उन्हां दे किसे मुलाजम नूं किसी नैशनल हाईवे अथॉरिटी के मुलाजम को जां सर्वे वालियां टीमों नूं असीं बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हुण तक असीं बड़ियां टीमां बाहर कढ़ियां ने तुहाडे जरिए कहने चाहुंदे आं वी हुण असीं उन्हां नूं बिल्कुल विरोध होएगा जी, असीं तां सड़कां घेरांगे जी। प्रशासन को साडी चेतावनी है भी जिन्ना चिर उत्थों साडा निबड़दा नहीं ये प्रोजेक्ट नूं डिले करन, जे वो डिले नहीं करते उन्होंने कोई गल करनी है तो साडे नाल रेट की वधिया गल करन, जे नहीं करते तो असीं सड़कां घेरांगे प्रशासन के दफ्तर घेरांगे। कैमरामैन बालकृष्ण गर्ग के साथ समाणा न्यूज़ पातड़ा।